चलिए बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां एचयूटी मामले में एनआईए को जांच सौंपने पर गृह मंत्री का बयान सामने आया। एनआईए की टीम भोपाल पहुंची थी, एनआईए की टीम को केस डायरी सौंप दी गई है। अब आगे की जांच एनआईए करेगी। एचयूटी की लिंक दूसरे देशों से जुड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश में कानून का राज, यहां शांति फैलाने वाले नहीं चलेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक जरा पे चलने पर भी उन्होंने बयान दिया है। तो देखिए, फिलहाल एचयूटी मामले को लेकर एनआईए को सौंपने पर गृह मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनआईए की टीम को केस डायरी सौंप दी जाएगी और आगे की जांच एनआईए करेगी। देखिए, लगातार देखा जा रहा था कि पाल में जिस तरह से लोग निकलकर आ रहे थे, आतंकवादी संगठन एचयूटी की लिंक यहां पर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर देखी जा रही थी। ऐसे में सरकार ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और अब अमृता लगता है आने वाले समय में जब एनआईए इस चीज की जांच करेगी इस पूरे मुद्दे की, तो आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल अस्मिता, आने वाले समय में निश्चित ही और भी खुलासे हो सकते हैं और इसी के जरिए जो लगातार जो है मध्य प्रदेश सरकार इसी के लिए कार्यरत है और आतंकवाद जड़ से खत्म करने की बात जो है सरकार की ओर से लगातार कही जा रही है। चलिए सुनते हैं नरोत्तम मिश्रा ने इस वक्त इस दौरान क्या कुछ कहा। कल एनआईए की टीम मध्य प्रदेश आ गई थी, क्योंकि ये एचयूटी के लोग थे जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। अब ये एनआईए ने टेक ओवर इसको कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी शांति अशांति फैलाने वाला संगठन कैसा भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू है, शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज्य है। कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो फन कुचल दिया जाएगा।